नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, आज की स्थिति बहुत ही श्रीलंका में बहुत ही भयावह हो चुकी है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं त्राही त्राही कर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई वहाँ पर इस हो गई है। खाने के लिए दूध भी उनके पास नहीं बचा है, पेट्रोल भी उनके पास में इस समय नहीं बची है। पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा मार वहाँ पर पड़ रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विदेशी मुद्रा जो होती है उनके पास से पूरा खजाना खाली हो चुका है, और वहाँ के जो सरकार है इस समय उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने अपने देश की स्थिति को बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ले आए हैं। ऐसा कब होता है मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि अभी हाल ही में बीमारी से बहुत ज़्यादा देश निकल के आए हैं, जैसे कोविड की बीमारी हुई थी, कोविड की बीमारी की वजह से वो बहुत सारे देश बाहर निकल उभरे हैं, लेकिन उसमें से श्रीलंका अभी नहीं निकल पाया था, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा स्थिति में वो गिरता ही चला गया है। तो पूरा गणित इनका समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरीके से और उनके पास क्या क्या बचा है। आइए समझते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कर्ज के जाल में फंस चुका है श्रीलंका। 55 गुना ज़्यादा कर्ज का बोझ इनके ऊपर है। 3.42 लाख करोड़ रुपये कुल कर्ज इनके पास है। अब इनके पास जो बचा है वो है 6000 करोड़ रुपये, इनके जो रिजर्व बैंक हैं वहाँ पर बचे हैं। तो जानते हैं कि इस तरह खाली हुआ इनका खजाना। 57000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार था 3 साल पहले। 20000 करोड़ रुपए ही रह गया है जुलाई 2021 में इनके पास बचा था। 11000 करोड़ रुपए आया था नवंबर 2021 में। 18.8% पर पहुंची इनकी जो महंगाई है वहां की दर, मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा महंगाई इनके सर पर आ चुकी है। और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। श्रीलंका में हालात इस समय बस से बेहतर हो चले गए। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में देश के अब तक के सबसे ख़राब आर्थिक संकट की वजह से सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को ईंधन और रसोई गैस की लंबी कतारों में खड़ा होने के अलावा घंटों बिजली गुल होने का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राजपक्षे के इस्तीफे की भी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। तो ये है वहाँ की बहुत ज़्यादा हालात। 2-2, 3-3 किलोमीटर की रास्ता है, रोड बिल्कुल जाम पड़े हैं। इसी वजह से वहाँ पर ना तो अब बिल्कुल पेट्रोल और डीजल बचा है, यहाँ तक कि भारत ने बहुत मदद भी की है। और समझते हैं इनके बारे में और क्या क्या समस्याएं हैं। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामानों की कमी हो गई है। बिजली कटौती एक दिन में 13 घंटे तक की जा रही है। श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अस्पतालों में दवाइयां ख़त्म होने से डॉक्टरों ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा बहवाह है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस समय क्या कंडीशन श्रीलंका की हो रही है। मेरे प्रिय साथियों, वहाँ की जो विदेशी मुद्रा है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल लगती है। जैसे कि भारत ने अभी वहाँ पर डीजल और पेट्रोल भेजने का आश्वासन दिया है, और वो शनिवार को खेप पहुँच भी जा चुकी है। समझते हैं, और श्रीलंका में 1 अप्रैल से लगा आपातकाल। देश में मौजूदा स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मद्देनज़र और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया है। राष्ट्रपति ने एक गजट जारी कर आपातकाल लागू कर दिया है। जैसा कि मेरे प्रिय साथियों, अगर कोई भी देश ऐसी स्थिति में आता है तो वहां की सरकार इमरजेंसी लगाती है, जो कि मौलिक अधिकारों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ती है। अब ये है स्थिति, वहाँ पर भी अब रोक लगा दी गई है। जैसे कि सरकार ने फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, पेरिस्कोप, गूगल वीडियो, टिकटॉक, वाइबर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ये रोक लगा दी है। ये रोक इसलिए लगाई गई है ताकि वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो ज़्यादा अपने आप को कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ। इस ब्लॉक की वजह से यूजर्स VPN के जरिए इन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका में अशांति के दौरान राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने का इतिहास रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
जितना हो सकता है इसे शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ये ज़रूर पहुंचे, और अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।